Yes, Shailesh. So my doubt is like if I want to play the chords of some songs and like if I'm searching for the chords, it will give me the accurate chords, I mean original chords of the song. When you say search, as in you search online or you trying to find out yourself? Yeah, search online. Okay. Few songs I'll try to find myself, but mostly I search online only. But कितना प्राउड होके बता रहा है, मोस्टली आई सर्च ऑनलाइन ओनली, दैट्स अ गुड थिंग. Yeah, okay. So that works if I'm actually playing along the original track. But if I wanna play in like for someone who is singing, Right. like that person may not be comfortable with the original scale of the song, right? Absolutely, absolutely. So like how can I like change the chords accordingly? Yeah. Okay, so And one more thing is if I actually want to change the key of the song, like if I want to change it to C or C to D, what if there are some borrowed chords? Yeah. Okay. Like if there's a progression 1 6 4 5, I can just simply change the chords according to the key. Right. But what if there are some borrowed chords? How can I change it? Okay. So just before I move on to Shailesh का आंसर, पुलकित, I'll come to your answer later. केशव ने दो हाथ रेज किए हुए हैं. आई कैन सी टू हैंड्स रेज फॉर सम, आई डोंट नो, आई डोंट इवन नो कि दो हाथ कैसे रेज होते हैं, बट आई सी अ टू नेक्स्ट टू हिज हैंड. सो यू ही इज रेज बोथ हिज हैंड. मे बी ही सेइंग आई गिव अप, आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस शिट यार, आई गिव अप. सो चलो लेट्स लेट्स जस्ट आई डू शैलेश का आंसर फर्स्ट एंड देन वील मूव टू पुलकित, बिकॉज पुलकित का क्वेश्चन हवा में लटक रहा है, एंड देन वील टॉक टू केशव. ओके, सो शैलेश देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पार्टली आंसर योर ओन क्वेश्चन यार, वेन यू सेड दैट थिंग 1 6 4 5, ठीक है. एंड दिस इज अगेन समथिंग विच आई हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स विद यू गाइस, कि कोई भी सॉन्ग होता है हमेशा ऑलवेज एनालाइज द कॉर्ड्स, नेवर थिंक ऑफ अ सॉन्ग एज सी मेजर डी माइनर ई माइनर एफ मेजर जी मेजर, ये मत सोचा करो. ऑलवेज ट्राई टू सिंग थिंक कि ये गाने का की क्या है, उसके की के हिसाब से ये कॉर्ड्स क्या बैठते हैं, ठीक है. सो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है. लाइक शैलेश, टेल मी अ सॉन्ग यार, टेल मी अ सॉन्ग जिसके तुम्हारे को कॉर्ड्स पता है, टेल मी अ सॉन्ग जिसके कॉर्ड्स चन्ना मेरेया चन्ना मेरेया. सो चन्ना मेरेया के सारे कॉर्ड्स आई थिंक वही हैं, की में ही बिलोंग करते हैं ना, इट्स फ्रॉम इन द की ऑफ ए माइनर. सो लेट्स जस्ट अज्यूम, लेट्स अज्यूम कि चन्ना मेरेया के कॉर्ड्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं. ओके, सो चन्ना मेरेया के कॉर्ड्स आर ए माइनर. और लेट्स टेक अ सिंपलर सॉन्ग, आई डोंट वॉन्ट टेक चन्ना मेरा बिकॉज उसमें माइनर की है, सो माइनर की सम पीपल माइट नॉट रियली अंडरस्टैंड. लेट्स जस्ट टेक माई फेवरेट पापा कहते हैं, ठीक है. पापा कहते हैं कि कॉर्ड्स आर सी मेजर ए माइनर एफ मेजर जी मेजर, ठीक है. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, राइट. सी मेजर ए माइनर एफ मेजर जी मेजर. Now, the wrong way to remember this song, actually there's no wrong way, but the beginner way to remember this song is chords are C major, A minor, F major, G major. ऐसे ही हम याद करते हैं. Now let's say ये गाना है पापा. Now अगर मेरे को अब शैलेश का क्वेश्चन है कि if I'm playing with the track, with the original track, तो I can play C, A minor, F major and G major. लेकिन अब मैं दूसरे किसी गिटारिस्ट के साथ, अब किसी सिंगर के साथ बैठा हुआ हूँ, तो I don't have the original track. अब जो वोकलिस्ट है उसके उससे पूछूंगा. अब मैं बजाने लगता हूँ पापा, वो बोलता है नहीं यार ये मेरे को थोड़ा लो लग रहा है, तू ऐसे बजा. पापा कहते हैं, राइट, ही वॉन्ट्स टू सिंग ऐसे, पापा कहते हैं. अब इसमें मैं सी मेजर तो बजा नहीं सकता. पापा कहते हैं, इट्स नॉट मेकिंग सेंस, राइट. सो आई हैव टू चेंज माई कॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू वॉट ही इज सिंगिंग. मुझे उसके सिंगिंग, उसकी उसके स्केल के हिसाब से गाना चेंज करना पड़ेगा. अब शैलेश कह रहा है मैं कैसे चेंज करूँ, पहला पार्ट तो उसका ये है, इसीलिए मैं बोल इसका आंसर इज थिंक ऑफ अ सॉन्ग के कॉर्ड्स एज नंबर्स, नॉट द कॉर्ड नेम्स. तो मेरे को पता है कि गाने गाना जो था वो सी मेजर की में था, और सी मेजर के कॉर्ड्स होते हैं सी मेजर, देन डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर, बी डिमिनिश्ड एंड बैक टू अ सी मेजर. ये सी मेजर के डायटोनिक कॉर्ड्स होते हैं. जिनको नहीं पता, मास्टर क्लास नंबर 1 देख लेना, ठीक है, म्यूजिक म्यूजिक एजुकेडमी वेबसाइट में, मास्टर क्लासेस में मास्टर क्लास नंबर 1 देखना. ओके, सो मेरे ये कॉर्ड्स हैं, तो मेरे कॉर्ड्स है सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर. अब इसको अगर मैं स्केल के रेफरेंस में देखूंगा, तो सी मेजर होती है पहली कॉर्ड, ए माइनर होती है मेरी छठी कॉर्ड, सिक्स कॉर्ड. सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर,
ठीक है, तो ए माइनर मेरी सिक्स कॉर्ड है. नेक्स्ट गाने की कॉर्ड थी एफ मेजर, एफ मेजर मेरी कॉर्ड है सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर चौथी कॉर्ड. नेक्स्ट कॉर्ड है मेरी जी मेजर, जी मेजर होती है सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर पांचवी कॉर्ड. तो नेट नेट सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर मेरी 1, 6, 4, 5 कॉर्ड है ऑफ द सी मेजर स्केल. राइट, अब अगर मेरे को म्यूजिक थ्योरी आती है तो आई विल जस्ट से ओके, सो पापा कहते हैं इज नथिंग बट 1, 6, 4, 5 सी मेजर की में. अब कल मैं जाता हूं, मेरे को वोकलिस्ट बोलता है यार मेरे को ये सी बड़ा लो लग रहा है, मैं इसमें गाना चाहता हूं. अब ये मेरी की बन गई है डी मेजर. राइट, सो आई इमीडिएटली नो कि डी मेजर में मेरे को अब 1, 6, 4, 5 ही प्ले करना है. तो डी मेजर की 1, 6, 4, 5 होती है डी मेजर, बी माइनर, जी मेजर, ए मेजर. आई जस्ट नो दिस. अगर मेरे को नहीं भी पता तो मैं कर सकता हूं डी मेजर, डी ई एफ शार्प, जी ए बी. सो डी मेजर मतलब डी मेजर स्केल क्या होता है, डी ई एफ शार्प, जी ए बी, सी शार्प, डी. और डायटोनिक कॉर्ड्स होती हैं मेजर, माइनर, माइनर, मेजर, मेजर, माइनर, डिमिनिश्ड. सो आई इमीडिएटली नो कि मेरी डी मेजर बन गई, फिर मेरी बी माइनर बन गई, फिर मेरी जी मेजर बन गई, फिर मेरी ए मेजर बन गई. तो मुझे कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है क्योंकि मैंने गाने को याद ही ऐसे किया हुआ है एज अ 1, 6, 4, 5. अब मेरे को कोई भी की बोलेगा आई कैन इमीडिएटली चेंज इट. अब मुझे कल सिंगर बोलता है नहीं यार ये भी मेरे को चेंज करना है, मेरे को ये करना है एफ मेजर पे. पापा कहते हैं तो मेरे को दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं है, बोलेंगे कोई पंगा नहीं. एफ मेजर की में मेरा एफ 1, 6, 4, 5 होते हैं एफ मेजर, डी माइनर, बी फ्लैट एंड सी मेजर. सवाल से पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, एज सिंपल एज दैट. परसों मेरे को वोकलिस्ट सेम वोकलिस्ट बोलता है भाई मेरे को ये भी लो लग रहा है, अब तू जी मेजर में गा. बोलेंगे कोई पंगा नहीं. जी मेजर में मेरा 1, 6, 4, 4 होता है जी मेजर, ई माइनर, सी मेजर, डी मेजर. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. और उसके अगले दिन मेरे को वोकलिस्ट बोलता है भाई मेरे को ये भी लो लग रहा है, तो पहले तो मैं वोकलिस्ट को बैंड से बाहर निकालूंगा, भाई तू निकल जा, तू हर दिन ही गाना चेंज करता रहता है. बट लेट्स से दैट वोकलिस्ट सेज कि मेरे को ए पे गाना है. राइट, सो आई नो कि मेरे ए पे मेरे 1, 6, 4, 5 होता है ए मेजर, एफ शार्प माइनर, डी मेजर, ई मेजर. सो इट बी पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. जस्ट वन सेकंड गाइस, सॉरी. ओके सो या सो व्हाट डिड आई डू, आई जस्ट न्यू की सॉन्ग में 1, 6, 4, 5 है. अब कोई भी मुझे की में प्ले करना है I'll just do a 1, 6, 4, 5. As simple as that. ठीक है. Now that was the first part of your question. Shailesh की किस तरह से करना है. So that's how you do it. And you partly answer that yourself. कि 1, 6, 4, 5 कर लिया तो I can change it. Now the next part of your question was कि अगर उसमें borrowed chords होती हैं. तो let's say, so Shailesh कह रहा है कि मान लो पापा कहते हैं मैं C, A minor, F, G की जगह C, A minor, F minor and G major होता. कहते हैं बड़ा नाम करेगा. यू नो अगर मान लो गाना ऐसा होता देन एफ माइनर आ रही है, एफ माइनर इज नॉट बिलोंगिंग टू द की ऑफ सी मेजर, तो इट्स अ बोरोड कॉर्ड, इट्स बीन बोरोड फ्रॉम द सी माइनर की. नाउ हाउ डू यू एसोसिएट बोरोड कॉर्ड्स इन द की इज एफ मेरी होती है 4 मेजर, राइट, 1, 6, 4, 5. तो इसको मैं अगर याद करूंगा सो आई विल से इट्स अ 1, 6, 4 माइनर 5. राइट, सो 4 मेरी कॉर्ड होती है सी की में एफ मेजर, बट इधर इस गाने में मेरी 4 माइनर हो गई है. सो इट्स अ एफ माइनर, राइट, सो आई विल से इट्स अ 1, 6, 4 माइनर 5. और अगर मान लो मेरी होती एफ शार्प तो आई वुड हैव सेड 1, 6, sharp 4, 5. सो बेसिकली यू आर एसोसिएटिंग ऑल द कॉर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू द की, उसकी डायटोनिक कॉर्ड्स ओनली. अब वो बोरोड कॉर्ड्स भी होंगे तब भी तुम बोरोड कॉर्ड के हिसाब से नंबर चेंज कर लो. इट माइट नॉट बी अ होल नंबर, इट माइट नॉट बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बट इट विल बी फ्लैट 7 और इट विल बी फ्लैट 6 और इट विल बी शार्प 5 और इट विल बी 4 माइनर और इट विल बी 6 माइनर. 6 तो माइनर ही होती है, 6 मेजर, राइट. सो दैट्स हाउ यू एसोसिएट ऑल द कॉर्ड्स, ठीक है, चाहे बोरोड हो चाहे की भी हो. बट द ट्रिक इज
and so moral of the story is koi bhi gana dekho na, never think of the song as C major, A minor, F major, G major. Always think is gaane ki ye hai aur ye uske chords ban rahe hain to uske hisab se numbers ye bante hain. Think of the song as that number only. That's the best way to do this. Jitne bhi jazz musicians hote hain, all of them analyze songs. Because then it's a lot easier to remember. Jazz mein to itne sare chords hote hain. 50 chords hote hain ek line mein. So you can't remember sari lines, no? So you just think of it as, okay, 251, 251, aise karke. Okay? So start doing this with all the songs that you know. Just analyze the chords with respect to the key. Actually, this was a follow-up question to what Shailesh was asking you about, you know, the chord progression and raising it to higher scales. Right. So I guess this is what we call transposition. Is that right? That's right. So when you change the chords or change the key, it's called transpose. So basically, you're transposing the chords. Okay. So I have something else to ask. It's on the lines of the same thing. Now, supposing I only know the shapes of the chords. I may not know the shapes of all the scale chords. That's when, you take the help of a capo. Right. And if I only know to play the chords in C, but I need to play in the scale of G or A or F, then how can we use the capo in that case? Okay, so capo. I don't really have a capo with me, but that's okay. मैं ऐसे ही बता देता हूँ. So let's say we'll take the same example कि मेरा song था पापा कहते हैं. The chords were C major, A minor, F major, and G major. Now I bring the same shitty vocalist and he says कि मेरे को आज D पे गाना है. ठीक है, तो वो D पे हमारा था D major, B minor, G major and A major. Right? D, B minor, G and A. लेकिन Jacqueline is saying कि मेरे को A major play करनी नहीं आती. So I can't really change the chords now. क्योंकि मेरे को सिर्फ वही चार chords आती हैं, C major, A minor, F major, G major. I just know these four chords. I don't know how to play an A major. जबकि मेरे को D पे अगर play करना है, so I need to play an A major, right? So then what I'll do is, I'll use a capo. Capo से क्या आएगा कि अब देखते हैं capo से क्या फायदा होएगा. C major, A minor, F major and G major original chords थे, right? मेरे को C की जगह D play करना है. अब C और D के बीच में कितना gap होता है? Two frets का gap होता है, ठीक है? So, मैं जहां पे सी प्ले कर रहा था, अब उसको अगर मैं दो फ्रेट आगे ले जाऊंगा तो मेरी डी बन जानी चाहिए. करेक्ट. अगर मैं एफ मेजर प्ले करता हूं ऐसे, इसको मैं दो फ्रेट आगे ले जाऊंगा तो दो फ्रेट आगे एफ मेजर के क्या आएगा? जी. तो मेरी जी बन गई. सिमिलरली जहां पर मैं जी मेजर प्ले कर रहा था, उसको मैं दो फ्रेट आगे ले जाऊंगा तो मेरी ए बन जाएगी. करेक्ट. बट द प्रॉब्लम इज a lot of these chords are open chords, so they have open strings with them. So agar meri ye c major mein meri top string open hai, meri ye third string open hai, meri first string open hai. Ab isko agar main do fret aage le jaunga, it's a nicer sounding chord, but it's not a d major. Why? Because main abhi bhi wo teen strings jo open, ओपन स्ट्रिंग्स अभी भी बज रही है, मैं जितना मर्जी इसको आगे ले जाऊं, बाकी मेरी तीन स्ट्रिंग्स जो मैंने प्रेस करी हुई वो मैं आगे लेके जा रहा हूं. अब उसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज अ केपो. केपो से क्या होगा कि मैंने यहां पे अपना केपो को लॉक कर दिया. सो नाउ ऑल माय ओपन स्ट्रिंग्स आर लॉक्ड ऑन द सेकंड फ्रेट. सो नाउ इंस्टेड ऑफ द ओपन, आई एम स्टिल प्लेइंग द सेकंड नोट. नाउ पहले मेरी ये तीन स्ट्रिंग्स ओपन जो थी, स्ट्रिंग नंबर 1, स्ट्रिंग नंबर 3 एंड स्ट्रिंग नंबर 6 ये ओपन आ रही थी, राइट, सी मेजर में. अब मैंने केपो सेकंड फ्रेट में लगा के लॉक कर दिया तो मेरी तीनों स्ट्रिंग्स जो है वो ये हो गई. नाउ अज्यूम कि दिस इज अ केपो, ये मैंने केपो लगाया होगा. नाउ ऑल आई नीड टू डू इज आई नीड टू होल्ड द सेम सी मेजर कॉर्ड. ये मैंने सी मेजर ही पकड़ी हुई है, इधर मत देखो, केपो को मत देखो, सिर्फ ये देखो, मैंने एक तरह से यही पकड़ी हुई है कॉर्ड्स, यही फिंगर्स मेरे पकड़ी है, लेकिन मेरी केपो से मेरा
सेकेंड स्ट्रिंग जो है सेकेंड स्ट्रिंग मेरा प्रेस्ड है. नाउ दिस इज द सेम एज अ डी मेजर. सेम साउंड राइट. सो अब केपो से मेरे को फायदा क्या हुआ, मेरे को ए मेजर प्ले करनी नहीं आती थी. Now what I'll do is I'll put a capo on the second fret and I'll play the same chords, C major, A minor, F major, G major. I am playing a C major, A minor, F major, G major, लेकिन sound मेरे को जो आएगी वो मेरे को दो fret आगे की आएगी. So C major के दो fret आगे D major था ना, तो मेरे को net net sound ये आएगी. And I can check that. Sorry. This is the same sound as. So मैंने capo लगा लिया and I ended up playing the same chords. C major, A minor, F major and a G major. तो capo से ये फायदा होता है कि आपको अगर chord की shape नहीं आती या play नहीं कर सकते तो आप या आप calculate नहीं करना चाहते, आप दिमाग नहीं लगाना चाहते, आपने बस capo लगाया और chord वही जो जिस chord आपने सीखी थी उसी chord को play कर दिया. अब कल मेरे को वोकलिस्ट बोलता है कि और आगे बजाना है तो मैं केपो को दो आगे और ले जाऊंगा और मैं सेम अपनी सी ए माइनर एफ जी बजाऊंगा. फिर मुझे कल फिर नेक्स्ट डे केपो वोकलिस्ट बोलता है और आगे करना है तो मैं और आगे करूंगा. लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी अगर मैं सी मेजर की जगह मुझे वोकलिस्ट बोलता है यार ये बहुत हाई है आप बी पे गाओ. अब मैं नीचे केपो को पीछे तो लगा नहीं सकता, केपो को यहाँ पे तो बांधूंगा नहीं मैं, है ना. यहाँ पे आगे हमारे को सोचना पड़ेगा यार अब मेरे को गाना जो है मेरे को बी पे गाना है. सो इधर म्यूजिक थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे केपो इज नॉट गोना हेल्प यू राइट. इसलिए आई ऑलवेज से कि नेवर बी डिपेंडेंट ऑन अ केपो, ऑलवेज डू ये कैलकुलेशंस अपने आप मेंटली कैलकुलेट करो, फिगर इट आउट एंड देन प्ले इट. बट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यूजिंग अ केपो, जस्ट डोंट बी डिपेंडेंट ऑन इट बिकॉज इट माइट नॉट हेल्प यू एट ऑल टाइम्स. ठीक है. बाय द वे जस्ट टू लेट यू नो, अगर मान लो वोकलिस्ट बोलता है नीचे गाना है और आपसे कॉर्ड्स नहीं चेंज होती, यू कैन ऑलवेज ट्यून डाउन योर गिटार. दैट्स वन ऑल्टरनेटिव. Not recommended. You can't really change your tunings for every song, but I'm just saying, you can do that. So, Jacqueline, does that answer your question? Yes, thank you. No worries.